विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बीते दिनों की शाम थम गया। चुनावी बिसात पर जीत हासिल करने के लिए लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पीएम मोदी तक ने बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन नेताओं की रैलियों के पैमाने पर तेजस्वी यादव ने सबको पछाड़ दिया। तेजस्वी यादव ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए मौजूदा चुनाव में कुल 251 जनसभा को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव ने हर दिन लगभग एक दर्जन जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ चार रोड शो भी किए। तेजस्वी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत 16 अक्टूबर से की थी। 5 नवंबर तक के यानी 21 दिन के अंदर तेजस्वी ने कुल 251 चुनावी सभा की। 247 जनसभाओं को उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर संबोधित किया, जबकि चार रोड शो किए। तेजस्वी पहले ऐसे नेता बने जो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों तक पहुँच पाए हैं। 243 में से 12 सीटों को छोड़कर लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस चुनाव में 113 जनसभाओं को संबोधित किया। नीतीश ने 10 जनसभाओं को वर्चुअल मोड में भी की है। 10 जनसभाओं के जरिए वर्चुअल मोड में नीतीश कुमार ने 43 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। वहीं 7 सितंबर के निश्चय संवाद के जरिए उन्होंने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और 14 अक्टूबर से नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव प्रचार के लिए निकले थे।